Mobile Gaming Global Spoken English। हेलो दोस्तों, मैं गुलाम नबी और मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ फ्यूचर में विल बी कैसे प्रयोग किया जाएगा। मैं इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव चार चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में विल बी लेकर के आएंगे, और अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस कहना है तो विल नॉट बी कहेंगे, नाउन या एडजेक्टिव कह देंगे। इसके ही पहले हिंदी एग्जांपल हम लोग समझते हैं। जैसे हमने कहा कि वो अच्छा होगा, वो बुरा होगा, वो चोर होगा, वो मेहनती होगा, तो कुछ हम फ्यूचर में बताना चाहते हैं, इसमें हमारा वर्ब नहीं है। तो इसके बारे में जैसे गागी के आता है कि वो अच्छा होगा, वो बुरा होगा, वो डॉक्टर होगा, वो इंजीनियर होगा, उसके बारे में। तो चलिए, जैसे कि रूल आप ऊपर लिखा देख रहे हैं तो हम उसे स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कहा वो मजाकिया आदमी होगा, तो क्या कहेंगे आप? ही विल बी फनी पर्सन। और वो मजाकिया आदमी नहीं होगा, ही विल नॉट बी फनी पर्सन। एक बात मैं और आपको बताता चलूँ कि इसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हर एक सब्जेक्ट के साथ में विल बी कहने वाले हैं। हाँ, ब्रिटिश रूल में हम आई वी के साथ में शैल प्रयोग कर देते हैं। अमेरिका में कोई भी सब्जेक्ट होगा, आप सब में विल बी प्रयोग कर सकते हैं। बोलचाल में हमारा विल बी का ही प्रयोग है, चलन है, तो आप बगैर सोचे समझे सब सब्जेक्ट में विल बी कह देंगे। तो जैसे हमने कहा वो मजाकिया आदमी नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे? ही विल नॉट बी फनी पर्सन। हमने कहा कि वो हो धोखेबाज होगा, तो ही विल बी चीटर। और वो धोखेबाज नहीं होगा, ही विल नॉट बी चीटर। और हम आसान एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने कहा कि मैं डॉक्टर होऊंगा, तो क्या हो जाएगा? आई विल बी अ डॉक्टर। तुम एक डॉक्टर हो गए, यू विल बी अ डॉक्टर। वो एक डॉक्टर होगा, ही विल बी अ डॉक्टर। वो एक डॉक्टर होगी, शी विल बी अ डॉक्टर। हम डॉक्टर्स होंगे, वी विल बी डॉक्टर्स। वे डॉक्टर होंगे, दे विल बी डॉक्टर्स। राजू और राधा डॉक्टर होंगे, राजू एंड राधा विल बी डॉक्टर्स। तो आपने देखा कि कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है, समय हम विल बी ही प्रयोग करने वाले हैं। ये चीज़ें आपके, जैसे हमने कहा कि मैं अमीर होऊंगा, तो क्या बोलेंगे आप? आई विल बी रिच। मैं अमीर नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी रिच। आपने कहा मैं बेचने वाला होऊंगा, आई विल बी सेलर। और मैं बेचने वाला नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी सेलर। तुम चपरासी होगे, यू विल बी प्यून। तुम माली होगे, यू विल बी गार्डनर। राजू नौकर होगा, राजू विल बी सर्वेंट। वो हो धोबी होगा, ही विल बी वाशर मैन। तुम मजदूर होगे, यू विल बी वर्कर। तुम्हारा दोस्त जुआरी होगा, योर फ्रेंड विल बी गैम्बलर। अगर आप नेगेटिव में कहना चाहते हैं तो बोलेंगे योर फ्रेंड विल नॉट बी गैम्बलर। ने कहा कि सचिन तेंदुलकर एक अच्छा खिलाड़ी होगा, सचिन तेंदुलकर विल बी अ गुड प्लेयर। हमने कहा कि वो अपराधी होगा, तो क्या कहेंगे? ही विल बी क्रिमिनल। वो अपराधी नहीं होगा, ही विल नॉट बी क्रिमिनल। वो शहरी होगा, ही विल बी अर्बन। और वो शहरी नहीं होगा, ही विल नॉट बी अर्बन। वो देहाती होगा, ही विल बी रूरल। वो देहाती नहीं होगा, ही विल नॉट बी रूरल। और हमने कहा तुम बेरोजगार होगे, यू विल बी जॉबलेस। तुम रोजगार नहीं होगे, यू विल नॉट बी जॉबलेस। हमने कहा तुम बेघर होगे, यू विल बी होमलेस। तुम बेघर नहीं होगे, यू विल नॉट बी होमलेस। हमने कहा तुम गंजे होगे, यू विल बी हेयरलेस। तुम गंजे नहीं होगे, यू विल नॉट बी हेयरलेस। एक सेंटेंस को हम छह तरीके से कह लेते हैं, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड के साथ में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड के साथ में। जैसे हम एक एग्जांपल समझते हैं। हमने कहा कि वो कंजूस होगा या वो लालची होगा। चलिए हम कहते हैं वो लालची होगा, तो क्या कहेंगे? ही विल बी ग्रीडी। नेगेटिव क्या कहेंगे? वो लालची नहीं होगा,
ही विल नॉट बी ग्रीडी। इंट्रोगेटिव में क्या बोलेंगे, क्या वो लालची होगा, विल ही बी ग्रीडी, और क्या वो लालची नहीं होगा, विल ही नॉट बी ग्रीडी। अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगाना है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कब, तो आप उस वर्ड को स्टार्टिंग में रख देंगे बस। जैसे आपने कहा कि वो लालची क्यों होगा, तो क्या बोलेंगे, वाई विल ही बी ग्रीडी, वो लालची क्यों नहीं होगा, वाई विल ही नॉट बी ग्रीडी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, आई डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकॉन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।